एवरीवन वेलकम यू ऑल इन अ जर्नी विद होटेलियर शो। माय नेम इज प्रमोद और आज हम बात करेंगे स्टाफ अट्रैक्शन को लेके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी होटल इंडस्ट्री के लिए। पहले हमें ये जानना है स्टाफ अट्रैक्शन क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर स्टाफ कंटिन्यू छोड़ रहा है तो उस चीज़ को हम होटल इंडस्ट्री की भाषा में अट्रैक्शन बोलते हैं। और हर होटल का, हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंडर्ड अट्रैक्शन होता है और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्टाफ अट्रैक्शन की जो क्वांटिटी, जो परसेंटेज होता है। उसके अलावा अगर स्टाफ अट्रैक्शन हो रहा है तो हमें जानना है कि अगर हमें स्टाफ अट्रैक्शन को नहीं रोका गया, कम नहीं किया गया तो हमारे लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पहले मैं ये बताऊँगा, अगर स्टाफ अट्रैक्शन ज़्यादा ही है तो आपका के होटल में गेस्ट को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज उसको सर्विस नहीं मिलेगा। सर्विस नहीं मिलेगा, अगर हम FMB की बात करें तो सर्विस डिले इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर द एनी होटल, जबकि बेसिक कंप्लेन है। अब सर्विस डिले क्यों हो जाता है? क्योंकि किचन से खाना डिले आता है। अब किचन में खाना इसलिए डिले होता है क्योंकि स्टाफ कम है वहाँ पे। अगर हम बात करें सेम फॉर द फ्रंट ऑफिस, चेक इन स्मूथ चेक इन नहीं होगा, गेस्ट जो है सेटिस्फाइड नहीं होगा। उसके साथ साथ क्या होता है कि गेस्ट से कोई मिलने वाला नहीं रहेगा। हाउसकीपिंग की बात करें तो गेस्ट को टाइम पे उसका रूम का क्लीनिंग नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। स्टाफ अट्रैक्शन को रोका कैसे जा सकता है? कई बार ऑब्जर्व किया गया, कई बार देखा गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ जो है काम सीखता है और जॉब छोड़ देता है। यू नो व्हाट द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज स्टाफ इज नॉट कॉन्फिडेंट फॉर योर ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफ जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम तो सीख लिया है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि फ्यूचर नहीं है, उसको लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है। दिस इज़ द रीज़न कि स्टाफ छोड़ता है। उसके अलावा वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता। इन्वायरमेंट कैसे नहीं मिलता? जो हमारा वे ऑफ टॉकिंग होता है, वे ऑफ वर्किंग स्टाइल होता है, गेस्ट को लगता है, सॉरी स्टाफ को लगता है कि वो सही नहीं है। तो टाइम टू टाइम हमें अपने आप को भी अपग्रेड करना है। उसके साथ साथ टाइम टू टाइम स्टाफ की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग इज़ नॉट लाइक, देखिए क्या होता है कि कई लोग ट्रेनिंग और ब्रीफिंग को एक साथ मर्ज करते हैं, बट आई वॉन्ट टू टेल यू फ्रेंकली, स्टाफ ट्रेनिंग एंड ब्रीफिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ब्रीफिंग 10 से 15 मिनट की होती है, जिसमें हम बेसिकली ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। जहाँ पर ट्रेनिंग की बात आती है, जहाँ पर हमें स्टाफ को ज़्यादा इफेक्ट देना है, स्टाफ को ज़्यादा काम करना है, हमें स्टाफ को अच्छे समझाना है, तो उसके लिए प्रॉपर हमें ट्रेनिंग रूम या फिर बैंकेट रूम में स्क्रीन और प्रोजेक्टर के साथ एक टॉपिक पकड़ के स्टाफ को उसके बारे में अच्छे से और डीप ब्रीफिंग देनी है, ब्रीफ करना अच्छे से और उसके हर सवाल का जवाब देना है। उसके अलावा जब ट्रेनिंग दे रहे हैं तो जो स्टाफ है उनको गेस्ट जैसा फील कराना है। मैं उनके लिए ऑफकोर्स टी कॉफ़ी और लाइट स्नैक्स का भी अरेंज करना है, उसके साथ साथ टाइम टू टाइम उसे हंसी मजाक भी करना है। अगर हम अपने आप को बॉसी समझ लिया, हमने अपने आप को बॉसी समझ लिया, तो आप समझ लीजिए ये बहुत ही निगेटिव इफेक्ट डालता है आपके स्टाफ के ऊपर। और स्टाफ को ऐसा लगता है कि नहीं यार, यहाँ पे जो है हर चीज़ को बहुत ही स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो किया। कभी कभी हमारे रूल्स और रेगुलेशन के लिए हमें फ्लेक्सिबल भी होना पड़ता है। उसके साथ साथ स्टाफ इंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एन रिड्यूस द स्टाफ अट्रैक्शन। ये हमेशा ध्यान रखिए, अगर स्टाफ को इंगेज नहीं किया गया, स्टाफ के साथ टाइम टू टाइम हमें इंगेजमेंट हमें प्लान करना है, हमें एक कैलेंडर HR को एक कैलेंडर प्लान करना पड़ता है ताकि स्टाफ जो है उसमें जो है थोड़ा इंगेज रहे। ये भी ध्यान रखिए कि इंगेजमेंट भी बहुत ही ध्यान से हमें प्लान करना पड़ता है। जो हम स्टाफ इंगेजमेंट पार्टी बोल दिया, स्टाफ के लिए हम कोई कैलेंडर तैयार करते हैं, ट्रेनिंग कैलेंडर तैयार करते हैं, तो उसमें बहुत कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। आपको बेसिक एग्जांपल देने हैं, बहुत ज़्यादा डीप एग्जांपल, बहुत ज़्यादा यू नो लाइक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल देने हैं उनको, उनकी लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल देंगे तो वो कहीं ना कहीं सोच भी पड़ता है। उसके साथ साथ उनको ये बताना है, आजकल बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत होटल्स हैं जो स्टाफ को ये बताते हैं कि अगर इफ़ यू आर द गुड तो वी कैन प्रमोट यू। ये आपको कंटिन्यू बताना कि इफ़ यू आर द गुड तो योर लाइफ, योर करियर इज वेरी क्लियर इन द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें टाइम टू टाइम स्टाफ को बताना है कि भाई अगर आप हमारे साथ काम करते रहेंगे तो आपको आगे चल के प्रमोशन मिलेगा और आपको आप कंपनी जो है आपके ग्रूमिंग पे काम कर रही है, आपको कंपनी ग्रूम करेगी, विच विल हेल्प टू यू, हेल्प फॉर यू इन योर करियर एज वेल एज इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो।
तो हमेशा ध्यान रखें हमें बहुत ज़्यादा स्टाफ सर स्ट्रिक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा स्टाफ को खुला भी नहीं छोड़ना है, बट ये प्रोफेशनल वे में रहना है। कभी कभी हमें अपने SOB के साथ फ्लेक्सिबल भी होना पड़ता है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि स्टाफ उसका गलत फ़ायदा ना उठाए। तो स्टाफ इंगेजमेंट, अगर स्टाफ इज़ हैप्पी तो ऑफकोर्स गेस्ट इज़ हैप्पी। तो स्टाफ इंगेजमेंट इज डू द वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू रिड्यूस अट्रेशन ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रही आज की छोटी मगर मोटी बातें।